महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया कौन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला कप्तान, तो धोनी ने दिया ये बड़ा बयान। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। IPL 2022 में रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बना दिया गया था, लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन के बाद जडेजा को कप्तानी से हटाया गया और फिर धोनी दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने। अब यहां पर IPL 2023 में एक बार फिर से हमें कप्तानी में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी का IPL 2023 में आखिरी सीजन हो सकता है, वो IPL 2023 के बाद संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जब यही सवाल महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया तो धोनी ने भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी का नाम लिया है। आपको बता दें, धोनी ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तान बन सकते हैं। धोनी ने मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया। धोनी ने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र की कप्तानी भी करते हैं, साथ में IPL में उनके रिकॉर्ड्स काफी शानदार रहे हैं। IPL में ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 38 की औसत से 1200 से अधिक रन बनाए हैं। आपको क्या लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स का अगला कप्तान बनना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।